दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच की लड़ाई बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सालों के सीक्वेंस से बताऊंगा कि कैसे रशिया ने हमारी कब कब मदद की है हमें शक्तिशाली बनाने में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा देखना। इंडिया ने अभी तक यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वोट नहीं किया है। 32 कंट्री ने वोट किया है, 2 ने साफ मना कर दिया है और 13 कंट्री अभी भी बचे हैं वोट करने से, उसमें से इंडिया भी है, जैसा कि आप साफ इस लिस्ट में देख सकते हैं। ये साफ दर्शाता है मोदी और पुतिन की दोस्ती। रशिया कितने सालों से अपनी वीटो पावर को इस्तेमाल कर रहा है हम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। रशिया ने अपनी वीटो पावर इस्तेमाल की थी कश्मीर के इशू में 1957 में, बस इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद 1961 ने रशिया ने फिर सपोर्ट किया इंडिया को लिबरेशन ऑफ गोवा में। 1962 और 1971 रशिया ने फिर सपोर्ट किया इंडिया को यूएन में आर्टिकल 370 में। रशिया खुलेआम इंडिया का सपोर्ट करता है। रशिया ने कुल 6 बार इंडिया को सपोर्ट किया है अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर। 1971 में जब जंग चल रही थी, रूस हमें बचाने आया था, 40वां बेड़ा भेजा था और यहीं पर वो है अमेरिका जो हमें मारने की धमकी दे रहा था, वो भी परमाणु बॉम्ब से, और अपना 7वां बेड़ा भेजा था। जब आर्टिकल 370 लगा था तब रूस ने हमारा सपोर्ट किया था। यूएनओ में कश्मीर का जब जब मुद्दा आया था तब यूएनओ कहता था कि वहां के लोगों से हमें पूछना चाहिए, तब वो रूसी था जो यूएनओ पर रोक लगाता था। '91 में जब हम लोग अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रहे थे तब उस वक्त हमें क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत थी। उस वक्त रूस अपने 8 क्रायोजेनिक इंजन दे रहा था, तब वो अमेरिका ही था जिसने हम पे प्रतिबंध लगाया, जिस वजह से हमारा स्पेस प्रोजेक्ट 20 साल पीछे चला गया। हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो अमेरिका की वजह से हुआ था। और आज भी चंद्रयान मिशन में नासा नहीं, रॉस कॉस्मोस हमारी मदद करता है। अगर हम लोग हमारे एस्ट्रोनॉट्स की बात करें जो गगनयान मिशन पर जाएंगे, वो ट्रेनिंग रूस से लेकर आएंगे, रॉस कॉस्मोस से। नासा का उसमें कोई योगदान नहीं रहेगा। 1998 में जब भारत ने अपना पहली बार परमाणु बम परीक्षण किया था तब उस वक्त पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी, लेकिन रूस हमारे साथ खड़ा था। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी और अब्दुल कलाम जी, इन्हीं दोनों की जोड़ी की वजह से इन लोगों ने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो हम पे आक्रमण कर पाए। 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था तब अमेरिका ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा था हम परमाणु बम मार देंगे भारत के ऊपर। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम आधा हिंदुस्तान खोने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम वचन देते हैं कि सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। तब अमेरिका अपना परमाणु बम लेकर भागा था। रूसी हमें सबसे ज्यादा हथियार देता है। आज भी भारत में 80% हथियार सब रूस से ही आते हैं। आज भी हमारी जरूरत रूस ही पूरा करता है। S-400 के दम पर आज हम लोग चाइना को चैलेंज करते हैं। और ये मिसाइल किसने दिया? रशिया ने दिया। INS विक्रमादित्य किसने दिया? रशिया ने दिया। अगर हम लोग मिलिट्री वेपन्स की ही बात करें, सबमरीन हो गया, अरिहंत हो गया, AK-203 एसॉल्ट राइफल की अगर फैक्ट्री हो उसमें भी रूस हमारी मदद कर रहा है। अगर हम लोग इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की बात करें, सुकोई, तो वो हमें किसने दिया है? रूस ने दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल जो दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल में से एक है, जिससे चाइना डरता है, वो किसने दिया है? वो हमें रूस ने दिया है। तब हमें ये बात कभी भूलनी नहीं चाहिए कि रूस ही हमारा परम मित्र है। लेकिन एक बात तो गौर करने वाली है, जब से अमेरिका का राष्ट्रपति बदला है यानी कि जो बाइडेन, तब से दुनिया भर में 3 जगह, वो भी साल भर के अंदर, शांति खराब हुई है। पहले तो इसराइल पलिस्तीन के बीच की लड़ाई, उसके बाद अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा, और अब रशिया और यूक्रेन के बीच का तनाव जो कि वर्ल्ड वॉर के दिशा में जा रहा है।
देखा जाए तो अमेरिका ने पहले जेलेंस्की को भड़काया ये बोलकर कि तुम लड़ो हम तुम्हें हथियार देंगे। इस जोश में आकर जेलेंस्की रूस से पंगा ले लेता है और अब आप यूक्रेन की हालत देख सकते हैं। अमेरिका ने पहले बोला कि हम तुम्हें हथियार देंगे, लेकिन जब जेलेंस्की ने लड़ाई चालू कर दी तब अमेरिका अपने बयान से पीछे हट गया। देखा जाए तो इस लड़ाई से कहीं ना कहीं अमेरिका का फायदा है, क्योंकि अगर रशिया कमजोर पड़ गया तब इससे अमेरिका को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि रशिया पर कितने सारे ही बैन लगा दिए, अब देखना यह है कि पुतिन आगे क्या करते हैं और जो बाइडेन आगे क्या बयान देंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।